नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 21 फरवरी 2023, दिन है मंगलवार। हिंदी तिथि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, आधार कार्ड को लेकर ये बड़ी खबर है। 10 साल पहले अगर बनाया था आधार कार्ड तो अब कराना होगा ये काम। अगर आपने आधार कार्ड बनवा रखा है और आपके आधार कार्ड को बनवाए हुए पूरे 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है तो ये अपडेट आपके लिए है। दरअसल आपका जो आपका आधार कार्ड है उसमें एक काम आपको कराना होगा, कुछ फीस फीस के लिए आपको जमा करानी होगी। वही इस काम को कराने के लिए आधार संबंधी किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है। दरअसल उदय जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से एक ट्वीट यहाँ पर किया गया है कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पहले बना था और इसे आपने अपडेट नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि उसे आप अपनी पहचान प्रमाण के और पते के प्रमाण दस्तावेजों को अपलोड कर इसे फिर से यहाँ पर सत्यापित करें यानी इसको अपडेट करें। वही ऑनलाइन अपलोड करने का शुल्क जो है वो 25 और ऑफलाइन के लिए 50 रुपया पर इसका जो शुल्क है वो रखा गया है। ऐसे में अगर किसी ने आधार कार्ड 10 साल पहले अगर बनवाया था तो उस शख्स को इसे फिर से यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने से संबंधित शख्स का आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा और उसे आने वाले किसी भी जरूरत के लिए आधार संबंधी कोई भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो 500 रुपए के करेंसी नोट्स को लेकर बड़ी खबर देखिए। अगर आपके पास भी है 500 रुपए के नोट तो आरबीआई का नया नियम आपके लिए जाना जरूरी। दरअसल सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जो है जारी कर दी है। दरअसल आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी तरफ से 500 रुपए के नोट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। अगर आपके पास भी 500 रुपए के नोट या फिर आपने अपने घर पर 500 रुपए के नोटों की गड्डी अगर रखी है तो ये जो खबर जो है आपके लिए काम की खबर। दरअसल देश भर में हुई नोटबंदी के बाद से 500 और 2000 रुपए के नोटों को लेकर कई तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। दरअसल जो नई गाइडलाइन जारी की गई उसके बाद हम करते हैं। तो आरबीआई एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 100, 200 और 500 और 2000 रुपए के नोट जारी किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एटीएम से रुपए निकालने जाते हैं, कई बार कटे फटे जो नोट है वो मिल जाते हैं। ऐसे में लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि वो नोट कहीं चलते भी नहीं है, लेकिन अब आप इस तरह के नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं। दरअसल आरबीआई की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें बताया गया है कि इस तरह के नोटों को आप अपनी नजदीकी ब्रांच में जाकर बदला सकते हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने 500 रुपए के नोट को पहचानने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। वही पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर नोटों को लेकर कई वायरल खबरें आ रही है, इसको देखते हुए आरबीआई ने इसकी पहचान का तरीका यहाँ पर बताया है। तो अगर आपके पास भी 500 रुपए का नोट है और आप जानना चाहते हैं कि वो असली है या फिर नकली है तो उसके लिए आपको कुछ आरबीआई की ओर से जो पहचान बताई गई है, तरीका बताया गया है, उसके स्टेप्स आपको जानने होंगे। जैसे अगर आपके पास नोट किनारे से लेकर बीच तक अगर फटा है तो वह अनफिट है। नोट अगर बहुत ज्यादा गंदा या उसमें फिर मिट्टी लगी है तो वह अनफिट माना जाएगा। कई बार ज्यादा इस्तेमाल हो जाने की वजह से नोट खराब हो जाते हैं, वह भी अनफिट माना जाता है। इसके अलावा नोट में हुए ग्राफिक बदलाव को भी यहाँ पर अनफिट माना जाएगा। अगर नोट का रंग उड़ गया तो भी उसे अनफिट माना जाएगा। वही आरबीआई रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर आपके पास 500 रुपए का पुराना या फिर कटा फटा नोट है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी ब्रांच में जाकर उसे बदलवा सकते हैं। अगर कोई भी बैंक इसको बदलने से मना करता है तो आप उसकी शिकायत जो है वो कर सकते हैं। बात अब कहते हैं अगली खबर की। तो केवल 2 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से जयपुर तक का सफर। शुरू होने जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। राजस्थान की राजधानी जयपुर एक बेहद ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जगहों में से एक है। वही दिल्ली से जयपुर जाने पर आमतौर सड़क मार्ग से 5 से 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन अब जल्दी आपका जो सफर जो है वो कम होने वाला है, कम समय में पूरा होने वाला है। दरअसल रेलवे जयपुर दिल्ली रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो चलाने वाला है। ऐसे में अब इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के शुरू हो जाने के बाद दोनों शहरों के बीच आप केवल 1/2 घंटे का समय की यात्रा को पूरा यहाँ पर कर पाएंगे, यानी दोनों शहरों के बीच केवल आप 1/2 घंटे के समय में यात्रा पूरी कर पाएंगे। दरअसल दिल्ली जयपुर तक जाने में जहाँ पहले 5 से 6 घंटा लगता था आप घटकर केवल 2 घंटे रह गए। देश के कई बड़े शहरों में जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो शुरू की गई है। ऐसे में अब दिल्ली से उदयपुर और जयपुर रूट के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो शुरू यहाँ पर की जाएगी। वंदे भारत ट्रेन पर काम करने के लिए रेलवे ने 30 करोड़ रुपए यहाँ पर 30 करोड़ का जो फंड है वो राजस्थान के लिए यहाँ पर अलॉट किया है। हालांकि ट्रेन के बारे में जानकारी देते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा था कि इस रूट पर तेजी से काम जो है वो चल रहा है और रेलवे इस रूट पर कई यहाँ पर रेक्स जो काम को है वो कर रहा है। बता दें आपको कि
दिल्ली से जयपुर रूट के बीच वंदे भारत जो ट्रेन है अगले महीने से शुरू हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक इस टूर यहां पर ट्रेन का संचालन हो सकता है। इसके साथ ही अभी तक रेलवे ने इस रूट पर किराए और टाइमिंग के बारे में फिलहाल कोई खुलासा यहां पर नहीं किया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो SBI के करोड़ों ग्राहकों को लगा है झटका। 17 मार्च से बैंक करने जा रहा है बदलाव, खर्च करने होंगे ज्यादा रुपए। दरअसल बात यह है कि अब आपको यहाँ पर पहले से ज्यादा पैसे जो है वो खर्च करने होंगे। दरअसल बैंक जो है 17 मार्च 2023 से कुछ बदलाव जो है करने जा रहा है, जिसका सीधा असर जो मतलब ग्राहक है, कस्टमर है, उनके ऊपर पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बैंक की ओर से यहाँ पर ये जानकारी जरूरी है वो शेयर की गई। दरअसल SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने ग्राहकों को जानकारी देते हुए बताया है कि SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को पर असर होगा। बैंक ने कहा है कि कार्ड के शुल्क में इजाफा कर दिया गया है, यानी इजाफा जो है कर दिया है। ये संशोधन 17 मार्च 2023 से लागू होगा। दरअसल SBI कार्ड की तरफ से मैसेज और मेल भेजकर इस बारे में जानकारी दी गई। SBI कार्ड ने बताया कि क्रेडिट कार्ड के जरिए अपने किराए का पेमेंट करने वाले यूजर्स अब मतलब जो पैसे जो 159 रुपए अन्य करों को शुल्क उनसे यहाँ पर लिया जाएगा। था आपको कि SBI कार्ड ने नवंबर 2022 में क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट शुल्क को बढ़ाकर 99 रुपए प्लस GST किया था, उसे अब इनसे यहाँ पर 99 रुपए करों को बजाय 159 रुपए टैक्स का जो है वो देना होगा। SBI ग्राहकों के लिए एक झटके से कम यहाँ पर नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। देखिए MP में आते होंगे बंद, दुकानों पर बैठकर शराब पीने की व्यवस्था भी अब होगी खत्म। शिवराज सरकार ने रविवार को आबकारी नीति में उल्लेखनीय बदलाव यहाँ पर किया है। प्रदेश में जो आहते जो है वो बंद होंगे, वही दुकान में बैठकर शराब पिलाने की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं होगी। दरअसल धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्थान और बालिका छात्रावास से 100 मीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान MP के अंदर नहीं होगी। वही शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के प्रावधान और भी कड़े होंगे। वही मंत्रिपरिषद के सभी 23 सदस्यों द्वारा नीति के प्रावधानों के मेज तपतपा का स्वागत यहाँ पर उन्होंने किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्ष 2010 से कोई भी यहाँ पर नई शराब की दुकानें जो है नहीं खोली गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। देखिए EPFO का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को अब ज्यादा मिलेगी पेंशन। EPFO के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल जो EPFO के सब्सक्राइबर्स है उनको अब पहले से ज्यादा पेंशन जो है वो मिलेगी। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO होने से पहले पेंशनर्स को बड़ा तोहफा यहाँ पर EPFO ने दिया। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सोमवार को कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की है। वही सेवानिवृत्त कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ने बताया है कि इसके लिए सदस्य और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से आवेदन जो है कर सकेंगे। वही नवम्बर 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को बरकरार रखा था। इससे पहले 22 अगस्त 2014 को EPS संशोधन ने पेंशन योग्य सीमा को 6,500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया था। साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को EPS में उनके वास्तविक वेतन का 8.33% योगदान करने की अनुमति दी थी। बात हम करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान की गहलोत सरकार को पुरानी पेंशन योजना में लग सकता है झटका। निर्मला सीतारमन ने पैसा जारी करने से किया है इनकार। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर। दरअसल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की पुरानी पेंशन जो योजना है उसको बड़ा झटका जो है लग सकता है, यानी जो OPS जो है उसको बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू पेंशन केंद्र के पास जमा 45,000 करोड़ रुपए जारी करने से मना कर दिया है। वे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि पेंशन नियमों में शर्त और जो मतलब पेंशन नियम और शर्तों के अनुसार कर्मचारियों का पैसा वापस नहीं किया जाएगा। वे केंद्रीय वित्त मंत्री के इस बयान के बाद राजस्थान सरकार को न्यू पेंशन स्कीम का केंद्र का मतलब जो केंद्र के जो ट्रस्ट में जमा 45,000 करोड़ रुपए है वो नहीं मिलेंगे। बता दें आपको राजस्थान सरकार ने पिछले साल 2022 में OPS यानी पुरानी पेंशन योजना को लागू यहां पर किया था। वही निर्मला सीतारमण ने NPS का पैसा राज्य सरकारों को देने से साफ इनकार कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर कोई राज्य किसी वजह से ये डिसीजन लेता है तो NPS के फंड को एक साथ दे दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए साफ उनका यहाँ पर इनकार है। ये कर्मचारियों का पैसा है, कर्मचारी से जमा पैसे पर ब्याज कमा रहे हैं। ये पैसा रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों के हाथ में आएगा। वही इकट्ठा पैसा राज्य सरकार के हाथ नहीं आएगा, जब ये सही समय आएगा तब यहाँ पर पैसे कर्मचारी को दे दिया जाएगा। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया है।
बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली की सड़कों पर अब नहीं चलेगी बाइक टैक्सी। परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर्स को दी है चेतावनी, देना होगा 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना। राजधानी में बाइक टैक्सी चलाना मुश्किल हो सकता है। दरअसल बात यह है कि परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की याचिका यहाँ पर जो उनकी चलने के खिलाफ जो है उनको आगे यहाँ पर किया है, उनको आगाह जो है किया है। दरअसल विभाग ने चेतावनी दी है कि ये मोटर वाहन अधिनियम 1986 का उल्लंघन है। इसका उल्लंघन पर एग्रीगेटर्स को 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल कमर्शियल मकसद से दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल मोटर वाहन अधिनियम 1988 का ये उल्लंघन है। विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि पहले अपराध पर 5,000 रुपए की जुर्माना दिया मतलब जुर्माना वो हो सकता है, जबकि दूसरे अपराध पर 10,000 रुपए और 1 साल तक की सजा यहाँ पर हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में 3 महीनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित जो जब जो है वो किया जा सकता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर हमारी है पीएम किसान योजना को लेकर। पीएम किसान योजना के इन किसानों को नहीं मिलेगी अगली किस्त, डाकघर में जाकर तुरंत करें ये काम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर। दरअसल केंद्र सरकार जल्दी 13वीं किस्त जारी कर सकती है, हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से अभी तक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। वही इस बार कई किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो नहीं मिलेगी। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की योजना, इस योजना के माध्यम से सरकार जो किसानों को सालाना जो है 6,000 रुपए की आर्थिक मदद जो है वो करती है। वही खास बात यह कि राशि 2,000 रुपए में 3 समान किस्तों में दी जाती है। वही जिन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है वे पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण जो है करा सकते हैं। वही न्यूज वेबसाइट डीएनए के मुताबिक सभी किसान इस योजना के पात्र नहीं है। बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट के अनुसार जिन किसानों के बैंक खाता जो है आधार कार्ड एनपीसीआई से जुड़े नहीं है उनका लाभ किसानों को यहाँ पर नहीं मिलेगा। यानी जिनका खाता आधार कार्ड से या फिर एनपीसीआई से यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगली किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को डाकघर यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक डीबीटी सक्षम बैंक खाता जो है वो खोलना होगा। वही योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपना केवाईसी जो है पूरा कराना जरूरी है। वो अपने आधार को पीएम किसान पोर्टल या फिर मोबाइल नंबर के साथ एक ओटीपी के माध्यम से निकटतम जो केंद्र है वहां जाकर बायोमेट्रिक के साथ ई केवाईसी को अपडेट करा सकते हैं। वह लिंक्ड मोबाइल नंबर वाले एसबीआई कार्ड धारक जो है वो 566 पर मैसेज करके अपने आधार को बैंक खाते से लिंक कर सकते हैं। यदि मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है तो आधार पहले ही यहाँ पर खाता अगर जुड़ा हुआ है तो एक SMS प्रक्रिया भेजी जाएगी। यदि सत्यापन विफल हो जाता है तो उन्हें प्रक्रिया पूरी करने के लिए SBI की शाखा में जाना होगा। ये यहाँ पर बैंक की ओर से भी जानकारी यहाँ पर इस तरह की निकल कर आ रही है।